सर्दियों की छुट्टी में घूमने फिरने का प्लान है तो हिमाचल के इन खूबसूरत जगहों पर एक बार जरूर जाएं। नमस्कार, आप देख रहे हैं वी न्यूज 24। मैं हूं आपका दोस्त दीपक कुमार। हर किसी के जीवन में घूमने फिरने का अलग समय और महत्व होता है। हालांकि जीवन के सबसे यादगार पल किसी न किसी वेकेशन के तो होते ही हैं। कई लोग ऐसे होते हैं जिनको घूमना फिरना पसंद नहीं होता, और कुछ ऐसे होते हैं जिनको हर 3-4 महीने में उनका घूमने का प्लान बन ही जाता है। अगर आप इन सर्दियों की छुट्टी में घूमने का प्लान बना रहे हैं तो आपकी टूरिस्ट लिस्ट में उत्तराखंड, हिमाचल, कश्मीर जैसे पहाड़ी जगह जरूर शामिल होते होंगे। और इन हरे भरे वादियों में घूमना किसे पसंद नहीं होगा। अगर आप इस कोरोना काल में घर में बैठे बैठे बोर हो गए हो तो इस सर्दी वेकेशन में 3 दिन का ट्रिप प्लान हम आपको बता रहे हैं, जिसमें आप शिमला और मनाली जैसे खूबसूरत जगहों का आनंद ले सकते हैं। तो आइए चलते हैं 3 दिन का शिमला और मनाली की सैर पर। सबसे पहले हम आपको हिमाचल की राजधानी शिमला के बारे में बताने जा रहे हैं, जो हरी भरी चीड़ के पेड़ से ढकी पहाड़ियों के बीच में बसा है। यहाँ आप रोड और टॉय ट्रेन की सवारी कर आप शिमला तक जा सकते हैं। टॉय ट्रेन आप कालका से शिमला के 96 किलोमीटर की दूरी 5 घंटे में 20 स्टेशन तकरीबन 109 सुरंग देने वाली घुमावदार मोड़ों से गुजरती हुई शिमला तक ले जाएगी। कालका और शिमला यात्रा के बीच एक जगह बरोक, जो इस यात्रा का सबसे रोमांचकारी हिस्सा है, जब ट्रेन एक खड़ी चढ़ाई के कारण धीमी हो जाती है और आपको कभी ना भूलने वाली तस्वीर को अपनी आंखों में बंद करने का मौका मिलता है। शिमला शहर होने के साथ साथ सैलानियों के लिहाज से देश में सबसे लोकप्रिय जगहों में से एक है। यह ब्रिटिश काल से ही एक लोकप्रिय हिल स्टेशन रहा है। यहाँ की पुरानी इमारतें शानदार ब्रिटिश वास्तुकला की याद दिलाती है। आप 3 दिन के लिए शिमला आए हैं तो आपको शिमला की इन जगहों को भी जरूर देखना चाहिए। पहले दिन में आप शिमला की खूबसूरती के साथ साथ बहुत ही अनोखी चीज देख सकते हैं। यहाँ काफी बहुत कुछ देखने और घूमने के लिए है। आप कुफरी घूमने का प्लान बना सकते हैं। शिमला से तकरीबन 16 किलोमीटर की दूरी पर स्थित एक छोटा और सुंदर सा शहर है। यह जगह इतनी खूबसूरत है कि आपको इस जगह को देखने में पूरा दिन आराम से बीत जाएगा। दूसरा जगह है शिमला से 4 घंटे की दूरी पर मौजूद बैरल। यह बेहद खूबसूरत जगह है। यहाँ के पारंपरिक घर इसकी खूबसूरती में 4 चांद लगा देते हैं। दूसरे दिन में आप शिमला में मौजूद महलों और मंदिर के अद्भुत दृश्यों को देखने का लुत्फ उठा सकते हैं। शिमला में ऐसे कई मंदिर मौजूद है जो बेहद खूबसूरत। आप यहां जाखू मंदिर, कालीबारी को भी देख सकते हैं। इसके अलावा आप नारकांडा का भी सैर कर सकते हैं। यह शिमला की सबसे खूबसूरत जगहों में से एक है। शिमला में तीसरे दिन आप यहां के फेमस मॉल रोड की सैर कर सकते हैं। आपको जानकारी के लिए बता दें कि मॉल रोड सभी हिल स्टेशन के सबसे अधिक देखे जाने वाले स्थलों में से एक है, जिसे हिल स्टेशन का दिल भी कहा जाता है। यह जगह सैलानियों को भी खूब अपनी ओर आकर्षित करती है, क्योंकि यहाँ सभी तरह की दुकानें, होटल्स आदि मौजूद है। यहाँ आपको दुनिया भर का सामान, जैसे कपड़े से लेकर ज्वेलरी, शूज, पर्स आदि सब कुछ आसानी से मिल जाएगा। शिमला के अलावा आप मनाली का भी सैर कर सकते हैं। मनाली सर्दियों में सबसे ज्यादा पर्यटक घूमने वाली एक जगह है। यह पर्यटकों की पहली पसंद है और ऐसा हिल स्टेशन है जहां लोग सबसे ज्यादा आते हैं। लेकिन अगर आप मनाली घूमने के लिए 3 दिन का ट्रिप प्लान कर रहे हैं तो आप इन जगहों को भी देख सकते हैं। अगर आप मनाली में पहले दिन रोहतांग को देख सकते हैं, क्योंकि रोहतांग मनाली की सबसे खूबसूरत जगहों में से एक है। आपको इस जगह को घूमने में पूरा दिन लग जाएगा। आप यहां कई तरह के एडवेंचर का भी मजा ले सकते हैं।
दूसरा खूबसूरत जगह है गुशैनी, जो हिमाचल के कुल्लू जिले के पास स्थित है। ये जंगलों से घिरा हुआ इलाका है जो इसकी खूबसूरती को निखारता है। यहाँ पर नदी किनारे एक गेस्ट हाउस है जो हमेशा से पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र बना रहता है। मनाली में दूसरे दिन आप यहाँ मौजूद मंदिरों को घूमने और देखने का लुत्फ उठा सकते हैं, क्योंकि मनाली में कई ऐसे मंदिर हैं जो अपनी वास्तुकला और खूबसूरत दृश्यों के लिए जाने जाते हैं, जैसे हिडिंबा देवी मंदिर। हिडिंबा देवी मंदिर को एक नाम और भी दिया गया है, धूनगिरी मंदिर। माता हिडिंबा का मंदिर, जो पांडु पुत्र भीम की पत्नी और घटोत्कच की माँ थी, द्रौपदी से पहले भीम का विवाह हिडिंबा से हो गया था, जिसका निर्माण 1553 में हुआ था। यहाँ के लोग इन्हें माता दुर्गा से भी अधिक मानते हैं। इसके अलावा आप यहाँ मौजूद गुरुद्वारे का भी घूमने का प्लान बना सकते हैं। मनाली के तीसरे दिन यानी आखिरी दिन आप मॉल रोड को देख सकते हैं और खूब सारी शॉपिंग करने का लुत्फ भी उठा सकते हैं। इसके अलावा आप यहाँ कई सारे स्ट्रीट फूड का भी लुत्फ उठा सकते हैं। आप हिमाचल प्रदेश के 3 दिन के ट्रिप में इन जगहों को एक्सप्लोर करना ना भूले। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे अपने दोस्तों में लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही जुड़े रहे बी न्यूज 24 के साथ। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।